हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम पहुँचे करीम ब्लॉग इनकी फूड स्ट्रीट ट्राई करने, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रही है आजकल इंस्टा टिकटॉक्स वगैरह पे। तो मैंने सोचा मुझे भी ट्राई करनी है। खैर, मैं सबसे पहले ट्राई किया मैंने वो जो लाल बोटी वाला, नहीं होता इस जगह गई मैं, ये मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इसका नाम भूल गया है, शाका भाई गए हम, वहाँ से हमने ट्राई किया वो शाका प्लेटर, पता नहीं उसको यही कहते हैं, ठीक है। ये इनका मेन्यू था सारा, मैं आपको दिखा रही थी, एम्बियंस मैंने आपको दिखा दी, इंडोर आउटडोर दोनों सीटिंग्स थी, मैंने इंडोर प्रेफर की। ये इनका आ गया शाका प्लेटर, ये चीज़ नान था, साथ लाल बोटी थी और सैलड था, साथ इनकी थी टू सॉसेस, ठीक है। खाने में ये लिटरली बस ओकेज था, चीज़ कुछ ख़ास नहीं थी, ना ही बोटी इतनी टेंडर थी, मीठी मीठी बोटियाँ थी, ना ही स्पाइसी थी, बस मीठा सा फ्लेवर था। फिर मैंने ट्राई किए चाउमीन और साथ मैंने ऑर्डर किए डम्पलिंग्स। चाउमीन तो मैं खा के मेरा दिल इतना खुश हो गया ना, ये सिर्फ 280 की इतनी बड़ी प्लेट है और साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, 280 का चिकन चाउमीन, ये राइस एंड चाउमीन से मैंने ऑर्डर किया था, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बाकी ये डम्पलिंग्स बहुत बुरे थे। फिर मैं गई स्पाइरल ट्राई करने, स्पाइरल वॉज वेरी अमेजिंग, 100 का एक स्पाइरल था। और अंकल आपको बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं, अंकल की शॉप मैंने दिखा दी, इतना टेस्टी इतना क्रिस्पी। मैंने अंकल को एक और का अंकल है वो भी फ्रेश बनाया कि वो मैं पैक करके लेके गई, इतना टेस्टी इतना डिलीशियस था। तो मेरे रिव्यूज़ बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, मैं कोई फेक रिव्यू आपको नहीं दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।